सेंट्रोइड के बाद ओके और तो सेंटर और इन सेंटर इन सेंटर और सर्क्यूल सेंटर फॉर सर्कम एक्सेस। सेंटर और एक्सेंट्रोइड। ठीक है, एक्सेंटर को हम आई वन आई टू आई थ्री इस तरह से लिख देते हैं। सेंट्रोइड मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर्स का, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर और सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। लाइक ज़्यादातर क्वेश्चन सेंटर से, मतलब टिपिकली एक क्वेश्चन पक्का सेंटर से होता है, लाइक ट्राइंगल पे एक पक्का क्वेश्चन आता है। तो सारे अगर वही मैंने बताए थे, सारे डॉट्स मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, याद हैं, तो फिर कनेक्ट कर पाते हैं क्वेश्चन को कि भाई क्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे। तो एट सेवन क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ए पॉइंट दिया हुआ है -11, बी पॉइंट दिया हुआ है 3-4 एंड सी पॉइंट दिया हुआ है 2-0। ये तीन पॉइंट्स हैं गिवन, और हमें बोला है अ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स वेयर एम इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट लाइंस ए सी एंड बी सी एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। जो एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स, वो ए सी और बी सी को पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एंड लेट ए वन एंड ए टू आर एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी। ए वन जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है, और ए टू जो है वो ट्राइंगल पी क्यू सी का एरिया है रिस्पेक्टिवली। देन और ऐसे बोला, सच दैट, कंडीशन दी है क्या कि ए वन इज इक्वल टू थ्राइस ए टू, और हमें फाइंड करना है देन फाइंड एम। एम की वैल्यू बतानी क्या होगी, 4/15 होगी, 1 होगी, 2 होगी, या फिर 3। तो पहले तो मुझे बस बताओ करना क्या है, सबसे पहले फिगर बना लो थोड़ी सी खुद। तीन पॉइंट है -11, ए पॉइंट है -11, बी पॉइंट है 3-4 और सी पॉइंट है 2-0, और एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स, वो किसको कट कर रही है, ए सी और बी सी को। तो ए सी और बी सी को कट कराना है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे कोई एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स जो कि कट कर रही है, पहले किसको कट किया उसने, इंटरसेक्ट ए सी एट पी, ए सी को पी पे कर रही है और बी सी को क्यू पे रिस्पेक्टिवली। अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया तो निकल जाएगा, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो तो निकल जाएगा। ए वन क्या होगा, ए वन जो होगा ट्राइंगल का एरिया याद आ रहा है, डेडवेट फॉर्म में क्या लिखते थे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री और 1 1 1, याद आ गया। ये हमारा होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ भी लिखते थे क्या साथ में, यानी लिखते थे, बताओ भाई। लिखते हैं हाँ, हाफ भी लिखते हैं, ठीक है ऐसी। अब लेकिन ए टू का एरिया जब निकालेंगे, और ए टू कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ए टू ट्राइंगल है पी क्यू सी, ये वाला। अब इसका एरिया निकालने में प्रॉब्लम है कि पी और क्यू पॉइंट्स नहीं पता हमें, तो फिर मतलब कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएं, कोई भी जना बोलो भाई, कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को कैसे माने। भाई ए सी और बी सी की पहले इक्वेशन निकाल सकता हूँ, कोई बताएगा। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले पॉइंट लिख लें। हाँ, कैसे भी कर लो। लाइक अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं ले रहा हूँ, लेट से मैं जनरली अवॉइड करता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म, लेट्स से पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को अगर बिना यूज़ करे, अगर मुझे ए सी और बी सी की इक्वेशन निकालनी है, तो ए सी की इक्वेशन बताना क्या होगी, टू पॉइंट फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। टू पॉइंट फॉर्म क्या आएगा, 1 -0 -1 -2 इक्वल टू, फॉर्मूला दिखा था मैंने, ये होता है ना, डायरेक्टली लगा देते हैं। वाई इक्वल टू क्या लिखा था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाई में क्या लिखते थे, x - x1। तो x1 क्या लिया हमने, x1 क्या लिया, 2 लिया,
और प्लस वाई वन, वाई वन क्या लिया है जीरो, तो ये आ गई हमारी ए सी की इक्वेशन, कितनी आई भाई माइनस वन बाई थ्री टाइम्स एक्स, और माइनस वन बाई थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का टू बाई थ्री, ये आ गई ए सी की इक्वेशन। अब ये अगर ए सी की इक्वेशन है और इसी तरह से निकाल दो बी सी की इक्वेशन, कोई बताएगा जल्दी से इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगी, बी सी की इक्वेशन क्या आएगी भाई, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन और प्लस वाई वन, क्या आ गया वाई इक्वल टू टू अपॉन वन यानी कि टू टाइम्स एक्स माइनस फोर, ये आ गया ये बी सी की इक्वेशन आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स, ये ए सी को कट कर रही है पी पॉइंट पर और बी सी को कट कर रही है क्यू पॉइंट पर, तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का, तो मुझे क्या करना है ए सी की इक्वेशन में वाई की वैल्यू एम एक्स पुट कर दो, यहाँ पर वाई की जगह एम एक्स रख दो, क्या आ गया पूरी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा थ्री एम एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, एक्स एक तरफ ले आओ और एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई टू अपॉन में टू डिवाइड बाई थ्री एम प्लस वन, राइट ये ठीक है। तो यानी कि जो पी पॉइंट होगा, समझ में आ गया पी पॉइंट कैसा होगा, जो पी पॉइंट होगा वो कैसा होगा टू थ्री एम प्लस वन कॉमा क्या कॉमा वाई, वाई कितना है भाई वाई तो एम एक्स ही रहेगा है ना, एम एक्स वाई की वैल्यू अगर एम एक्स है तो एम तो एज इट इज, एक्स की वैल्यू तो पता लग चुकी है टू टाइम्स थ्री एम प्लस वन, तो ये आ गया टू एम अपॉन में थ्री एम प्लस वन, क्लियर अभी सभी को बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है सभी को कि पी पॉइंट कैसे निकाला, ऐसे ही क्यू पॉइंट आ जाएगा, क्यू पॉइंट कैसे आएगा जो वाई इक्वल टू एम एक्स है वो किस पर रखना है, इस बार बी सी की इक्वेशन में रख दो बी सी, तो बी सी की इक्वेशन ये थी हमारी, तो यहाँ पर वाई की जगह एम एक्स रख दो टू एक्स माइनस फोर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई माइनस फोर डिवाइड बाय एम माइनस टू, या फिर इसको ऐसे लिख लो फोर अपॉइंट टू माइनस एम, ये आ गई एक्स की वैल्यू, इसका वाई कितना होगा, इसका वाई हो जाएगा भाई एम एक्स करोगे तो फोर एम डिवाइड बाई टू माइनस एम। हाँ बेटा बोलो सर, इक्वेशन ऑफ बी सी में शायद स्लोप में थोड़ी सी घट पड़ रहा है, जरूर कर दी क्या एक सेकेंड भाई, बी सी का स्लोप हमने लिखा फोर माइनस, अच्छा मैंने फोर माइनस जीरो की जगह फोर माइनस टू कर दिया, हाँ गड़बड़ होगी ठीक है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, देखो क्या करोगे जब पी पॉइंट आ जाएगा और क्यू पॉइंट आ जाएगा इस तरह से, क्लियर है एम की टर्म्स में, यस सर। उसके बाद तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है कि भाई अगर तीन पॉइंट पता है पी पता लग गया क्यू पता लग गया सी पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दोगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाकर डिटरमिनेंट क्या कर दोगे ओपन कर दोगे। अच्छा इसका जब डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी करने में, जैसे ऐसे लिखोगे ना एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है भाई सी हमारा टू जीरो टू जीरो, यहाँ पे आएगा टू एम अपॉन थ्री एम प्लस वन फोर एम अपॉन टू माइनस एम और वन वन वन। इसका जब डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, लेकिन ऐसे रो या कॉलम के अलॉन्ग कर लो जिसमें एक जीरो आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक जीरो आ रहा है ना इसके अलॉन्ग ही कर लेना ऊपर, ठीक है भाई इसमें कम से कम एक जीरो वाला टर्म तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी अगर तुम्हें कुछ मैनिपुलेशन करना है माइनस करके एक जीरो और लाना है तो एक और जीरो ले आओ, उसके बाद डिटरमिनेंट ओपन कर देना, तो बस कैलकुलेशन के नंबर है मतलब इसमें। तो तुम्हारा इक्वेशन आ गई ए सी की बी सी की, उन दोनों से हमने पी और क्यू पॉइंट निकाल दिया एम की टर्म्स में, और फिर दोनों पॉइंट तीन पॉइंटों को लेकर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले लगा दिए, और फिर ये वाली कंडीशन में पुट कर देना किसमें ए वन इक्वल टू थ्री टाइम्स ए टू, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर अभी ये करेक्ट कर लेना ये गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है आया सभी को समझ में, करना क्या यस सर ठीक है। और किसी भी लाइन पर एक मैंने ये चीज भी बताई थी, किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट मानना हो तो याद है ना जैसे हम 3D में भी करते थे, मान लो मेरी AC की इक्वेशन कुछ ऐसी आई है, ये आई है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगी 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो अगर तुम्हें इस लाइन पर कोई पॉइंट मानना है तो ऐसा मान लो a कॉमा x की वैल्यू a वाले लो और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ए प्लस टू बाई थ्री, ऐसे ले लेते ताकि वेरिएबल a की आ जाए, a की वेरिएबल में पॉइंट, ठीक है भाई। तो कभी किसी लाइन पर एक पॉइंट मानना पड़े तो ऐसे मान लेना, ठीक है बेटा। जैसे हम 3D में k मानकर कर देते थे x की वैल्यू k टर्म्स में b की वैल्यू y की वैल्यू k की टर्म्स में z की वैल्यू k की टर्म्स में, वैसे ठीक है
तो इससे क्या होगा, वेरिएबल कम दिखेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के दे रखे हैं -2, 4 एंड क्यू दे रखा है 4, -2 और बोला इफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी है ऑफ पी आर इज 2x-5+2=0 देन हमें बताना है क्या, देन सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बताना है क्या होगा. ए ऑप्शन है -1, 0 बी ऑप्शन है -2, -2 सी ऑप्शन दिया है 0, 2 और डी ऑप्शन है 1, 4. इन ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी के दे रखे हैं, क्यू के दे रखे हैं. इफ द इक्वेशन आर नहीं दिया हुआ, इफ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर, पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है 2x-y+2=0 तो हमें निकालना है सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि सर्कम सेंटर निकालना है. सर्कम सेंटर क्या होता था, जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो एक साइड का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है और हमें सर्कम सेंटर निकालना है क्या होगा. तो क्या करोगे बस बता दो इसे मेंटली, मतलब सोच के कि क्या करना है इसमें स्टेप्स. भाई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरे पास, एक और निकाल लूंगा, किससे निकालूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक और, पी क्यू का निकाल सकते हैं बताओ भाई. पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दें, पी कितना है -2, 4 क्यू कितना है 4, -2 तो भाई इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दो. कैसे निकालोगे, अगर आपका पी पॉइंट पता है क्यू पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, एक तो परपेंडिकुलर होगा और एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कट करेगा. तो पहले मिड पॉइंट निकाल लो, क्या आ गया -2, 4 का मिड पॉइंट आएगा 2/2, 1 और ये आएगा, ये भी 1 आएगा, मिड पॉइंट आ गया. और स्लोप कितना है पी क्यू का, पी क्यू का स्लोप निकाल लो कितना आएगा -2, -4/4+2 कितना आ गया -1. तो अगर पी क्यू का स्लोप -1 है तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा. और इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू क्या होगी भाई, y=(1, x-x1) ये तुम्हारा मिड पॉइंट उससे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से पास हो रहा है, -1, +1 कितना आ गया y=x आ गया. अगर y=x आ गया एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दिया हुआ है, तो भाई जो पॉइंट हमें निकालना है उसके लिए तो बस दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तीसरा तो अपने आप वहीं से ही पास होता है. तो इन दोनों को सॉल्व करके मैं एक्स और वाई निकाल लूंगा, हो जाएगा भाई. बोलो भाई क्लियर है सभी, बी आंसर क्या रहा है, बी बी आंसर तो नहीं पता, सॉल्व कर लेना. ऑप्शन ये दिए हमें, ये तुम्हारा आया हुआ है 2021 की मार्च शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में. क्लियर है, ठीक है भाई, सीधा वैल्यू पुट कर दो. हाँ वाई इक्वल टू एक्स पुट कर दो इक्वेशन में, खत्म हो गया क्वेश्चन. वाई इक्वल टू एक्स पुट करोगे तो क्या आएगा, 2x- का क्या था, y=x, हाँ x=-2 तो x की वैल्यू आ गई -2 और y भी -2, बिल्कुल ठीक है. क्लियर है, आया भी सभी को समझ में. बोलो भाई कुछ तो बोला करो, यस नो, आया नहीं आया बेटा. सर मतलब जो पी क्यू और पी आर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कोई पूछ रहे हैं इसको. हाँ यार, सर्कम सेंटर क्या होता था, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता था, सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता था जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं ट्राइंगल की साइड्स की. तो अगर ट्राइंगल की दो साइडों के मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूं, इक्वेशन निकाल दूं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही मेरा सर्कम सेंटर होगा, क्योंकि थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली वहीं से पास होगा ना, वो तो कंफर्म है कि जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे साइड्स के वो क्या होंगे, कॉन्कुरेंट होंगे. कॉन्क्रेंट मतलब जो एक पॉइंट से ही पास होंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए वो तीनों एक पॉइंट पे मीट ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा कभी. क्लियर है, आया समझ में? तो मतलब ये मीडियन में भी ऐसी है कि अगर ट्राइंगल के आप मीडियन बनाते हो तीनों के तीनों, तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों मीडियन मैंने बनाए, ऐसा कभी नहीं होगा. देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ट्राइंगल अगर मैंने बनाया और ये मीडियन पहला वाला बनाया कि दूसरा वाला बनाया मैंने, लेट्स से, और तीसरे वाला मान लो ऐसा आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का गारंटेड है कि तीसरे वाला भी
इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होगा, ये पहले से नोन फैक्ट है, पता है हमें। यानी कि ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, मैंने बोला भी था, दो लाइन को इंटरसेक्टिंग बोल देते हैं, तीन लाइन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट से पास होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्कुरेंट लाइन्स। तो ये कॉन्कुरेंट होते हैं, तो चाहे मीडियन लगा दो ट्राइंगल के, एंगल बाइसेक्टर लगा लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा लो, ये सारे कॉन्कुरेंट होते हैं, याद रहेगा, ठीक है भाई। तो अब रिक्वायरमेंट कितने की है, मतलब भाई अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो मुझे तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएंगे, तो तीसरे वाला तो वहीं से जाएगा, तो तीसरे वाले की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर आर पॉइंट निकालने की सोचेंगे कि आर पॉइंट निकालते हैं, कैसे निकालें, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है और दूसरा पी और क्यू से मैं निकाल लेता हूँ खुद, आया समझ में, बोलो भाई, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें। सर मैं आर ही निकाल रहा था। हाँ मैं तो पेन तो पहले ही भूल दिया मुझे तो पता है ना बच्चे यही करेंगे इसमें, यही वही, तभी तो जेई में इसमें डाल दिया, क्वेश्चन डाला है और किस लिए डाला है, ये तो है तो बहुत इजी। अगर मैं बता दूं कि बच्चों नहीं करना है ऐसा, तो फिर तो दिख ही रहा है, मतलब हवा में ही दिख गया कि भाई पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, एक दिया हुआ है, मतलब उन्होंने मेहनत भी कम कराई है कि भाई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो लिख कर ही दे दिया। अब बच्चे यही सोचेंगे कि भाई आर पॉइंट गिवन नहीं है तो पहले आर निकालो, तो क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस चाहिए कि करना क्या है, जो करना है उतना ही करो। अगर मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो फिर या तो रिजल्ट पे पहुंचूंगा नहीं, और रिजल्ट पे पहुंच भी गया, मान लो आर निकलता भी होगा किसी तरह से, तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट कर हो ही जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। यस सर, क्योंकि हमें ये बात पता है कि वो तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगे, तो जब दो से ही निकल जाएगा वाला पॉइंट, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है मुझे, तीसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन की, क्योंकि मुझे तो दो की जरूरत होती है। तो हमेशा अब याद रखना, चाहे मीडियन वाले मतलब सेंट्रोइड निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, आपका हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी दो इक्वेशन अगर आ जाएंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन है, लेट अ टेंजेंट टू सर्कल, सर्कल वगैरह के ज्यादा कुछ इसमें फंडा नहीं लगेगा, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी रिलेटेड था, तो ऐसा कुछ नहीं कि सर्कल तुम्हें पता है सेंटर कैसे बताते हैं सर्कल का, रेडियस पता है तुम्हें क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्कल एक पॉइंट पे निकालना है वो भी निकाल सकते हो आप। तो टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट पॉइंट, पॉइंट दिया आर 3,4 पर, मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू। सबसे पहले मुझे यानी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल की टेंजेंट होगी कहाँ पर, 3,4 पॉइंट पर। फिर जो उसकी इक्वेशन होगी वो उससे मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना होगा कट करेगा, और वाई एक्सिस पे मतलब इंटरसेप्ट निकाल लूंगा, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, पी और क्यू पॉइंट निकल जाएंगे, मतलब उसने दिए नहीं है निकल गए, और आर पॉइंट पहले से दिया होता। फिर आगे क्या बोला उसने, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू O origin and having center at the in center of triangle POQ, then हमें बताना आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो आराम से क्या करें। सबसे पहले मुझे जल्दी से टेंजेंट की इक्वेशन बता दो, क्वेश्चन बाद में करेंगे सब, पहले एक एक पार्ट में करते हैं। पहले टेंजेंट की इक्वेशन बता दो क्या होगी, स्लोप निकालोगे क्या होगा, 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0, y डैश की वैल्यू आ गई माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं 3,4 पे, तो 3,4 पे आ गया भाई माइनस 3/4, स्लोप आ गया टेंजेंट का। इक्वेशन कैसे निकालते हो, y इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, x1 कितना है हमारा 3 और y1 है 4, तो ये आ गई भाई मेरी टेंजेंट की इक्वेशन, 3/4x माइनस का प्लस का 9/4 प्लस 4 कितना हो गया, वाई इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस का 16 प्लस 9 25/4, ये आ गई, ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये टेंजेंट कहाँ पर x एक्सिस को कट करेगी, कहाँ पर y एक्सिस को कट करेगी, ये भी बहुत सिंपल है, तो मुझे पता है कहाँ पे कट करेगी भी, कुछ ऐसे आएगी, स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो x एक्सिस को कहाँ कट करेगी बता दो जल्दी से, इसको देखकर एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी भाई, एक्स एक्सिस को बताओ भाई कितना कहाँ पे कट करेगी,
जब x एक्सिस को कट करेगी तो y क्या होगा, जीरो होगा, तो y जीरो और x बता दो कितना रहे, 25/3। और y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, x जीरो पुट करोगे तो 25/4। बताओ क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमारे x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। अब क्या कह रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? अब कहता है कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से और जिसका सेंटर जो है वो क्या है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ पी ओ क्यू, मतलब बेसिकली ये जो आर है ये किस सर्कल का रेडियस है, आर इन इन सर्कल, राइट, इन सर्कल किस ट्राइंगल का, ओ पी क्यू, ओ पॉइंट पता है हमें, हाँ ओरिजिन तो पता ही रहा, ये तो राइट ट्राइंगल नहीं हो गया, ओ पी क्यू ये तो राइट ट्राइंगल हो गया, तो इस राइट ट्राइंगल का जो इन सर्कल है उसका रेडियस पूछ रहा है तुम्हारे से, मतलब इसने डायरेक्टली ये भी नहीं बोला कि रेडियस ऑफ द इन सर्कल निकालो, ऐसे बोल दिया कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है थोड़ा सा, तो बना दिया आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड हैविंग सेंटर एट द सेंटर ऑफ द ओ पी ओ क्यू। अच्छा ये कह रहा है सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो ओ से पास हो और जिसका सेंटर जो वो क्या हो, अच्छा तो इन सर्कल होगा इस ट्रायंगल का या नहीं होगा, इन सर्कल नहीं बोल रहा ना, इन सर्कल तो ऐसा बनेगा, इन सर्कल तो ऐसा बनेगा भाई, क्या ये सेंटर से ओरिजिन से पास हो रहा है, बताओ भाई क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं हो रहा ना ये तो, हाँ तो इसका नहीं पूछा सॉरी, एक ऐसे सर्कल का पूछा है जिसका पहले इन सेंटर निकालो, इसका इसका इन सेंटर कैसे निकालोगे बताओ, इसका इन सेंटर निकाल दो पहले क्या होगा, फॉर्मूला याद है इन सेंटर का, इन सेंटर का भी किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है क्या था, ax1 by1 सॉरी bx2 plus cx3 divide by a plus b plus c, abc क्या होती है जो पहले लिख लेना, हाँ पहले लिख लेना, नहीं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 के सामने वाली जो साइड है ये तुम्हारी a है, x2 के सामने वाली जो साइड है वो b है और x3 के सामने वाली जो साइड है वो c, ऐसे ऐसे याद रखना। चलो अब बताओ, और साइडों की लेंथ भी बहुत ईजी है क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो देख कर ही बता सकते हो कि बी स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दूंगा, तो बताओ जल्दी से वो क्या आ रहा है इसका, इन सेंटर क्या आ रहा है सॉल्व करके, आया भी किसी को, कितना आया तो भी क्या है, अच्छा ए की वैल्यू अगर नहीं भी पता है तो x1 तो हमारा जीरो है भाई, वो तो आएगा ही नहीं, जीरो आएगा प्लस, जीरो प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 25/4, 25/4 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है x2 कितना है 25/3 प्लस, इसी तरह से सी कितना है, सी है 25/3 और x3 कितना है, x3 हमारा है जीरो, ठीक है डिवाइड बाय क्या होगा बताओ, डिवाइड में क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ए तो अब निकालना पड़ेगा, बताएगा कोई ए कितना है सॉल्व करके, ए की वैल्यू क्या आ रही है भाई, ए की वैल्यू क्या रही है भाई, 25 का स्क्वायर कॉमन ले लो ना, 25 का स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा, 1/4 का स्क्वायर 1/16 और 1/9, 25 का स्क्वायर रूट के अंदर ही और ऊपर आ जाएगा 25/144, क्या आ गया आंसर भाई,
कितना आ गया 25 बार आ जाएगा, एक 5 बार आ जाएगा, 12 बार आ जाएगा, कितना आया ए की वैल्यू आ रही है हमारी 125 बाई 12 है ना, ये ठीक है अभी यही आ रहा है हाइपनेस की वैल्यू बताओ भी। यस सर। ठीक है प्लस बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ऐड कर दो, खत्म। इन सभी में से भाई ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाले में 2/25 है तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन को सिंपल और थोड़ा सा करने के लिए क्या कर सकते हो आप, एक 25 उड़ा दो, इसका भी 25 उड़ा के 5 लिख दो, इसका भी एक 25 उड़ा दो, इसका भी 25 उड़ा दो, कॉमन लेके काट दिया, क्या बचेगा 25/12 बचेगा ऊपर, और डिनोमीटर में क्या आएगा, डिनोमीटर में करके बताओ जल्दी से सॉल्व करके क्या आएगा, एलसीएम आएगा 12, 5 प्लस यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 डिवाइड बाय 12, ये भी 12 कट गया, क्या आएगा आंसर 25/12 ही आ गया। वाई वाला भी बता दो ऐसी क्या आएगा, अच्छा निकाल लोगे वाई वाला भी ऐसी सॉल्व हो जाएगा भी, वाई वाला भी ऐसी सेम, ठीक है। तो इन सेंटर मान लो निकल गया, कुछ ऐसे आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ओके इन सेंटर निकल गया। अब क्या पूछ रहा था हमारे, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो इन सेंटर तो निकल गया, अब क्या कह रहा था, वो कह रहा था एक सर्कल का रेडियस फाइंड करो, उसका स्क्वायर फाइंड करो, आर स्क्वायर फाइंड करो, अगर जो सर्कल हमें बनाना है उसका सेंटर तो ये लेना है इन सेंटर, लेकिन उसका जो जो पास हो रहा है सर्कल वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब जो रेडियस होगा समझ में आ गया क्या होगा, आई ओ होगा राइट, ये ठीक है क्लियर है भाई। तो अब आईओ कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि तुम्हारे पास आई भी है और तुम्हारे पास ओरिजिन भी है, दो पॉइंटों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, क्लियर है, आया भी सबको समझ में, यस सर। मतलब ऐसा सर्कल होगा कुछ तो उसका रेडियस, एक क्वेश्चन बताना ऊपर, हाँ देखो क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा है हमने टेंजेंट बना दिए, टेंजेंट कहाँ पे मीट कर रही है पी और क्यू, वो भी निकाल दिया था हमने, फिर वो कह रहा था आर एक ऐसे सर्कल का रेडियस है जो ओरिजिन से तो पास हुआ है और सेंटर उसका कहाँ पर है, इन सेंटर पर है, तो पहले इन सेंटर हमने निकाल लिया और इन सेंटर से लेकर ओ तक वो रेडियस ही होगा, क्योंकि अगर कोई सर्कल ओ को टच मतलब ओ से पास हो रहा है ओरिजिन से, तो उसका मतलब जो सेंटर है आई और जो ओरिजिन है हमारा ओ, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जहां से पास हो रहा है सर्कल, वो ओरिजिन है, तो आई से लेकर ओ तक क्या होगा, रेडियस ही होगा, क्लियर है, yes. ठीक है, और ये रेडियस आने के बाद तुम क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे बस, क्लियर है, बताओ भाई सभी को क्लियर हो गया, यस सर, ठीक है। तो इन सेंटर भी वाला ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें टेंजेंट वाला भी थोड़ा सा लाइक हो गया कि टेंजेंट की पहले इक्वेशन निकालनी है, क्लियर है, इंटरसेप्ट वगैरह सभी को क्लियर होनी चाहिए कि भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे निकालते हैं पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, ये भी 2021 का, ये मार्च का हाँ मार्च सेशन का है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, थोड़ी थोड़ी बातें जो जो कनेक्ट कर पाते हो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा मुझे बताते जाना ताकि मुझे समझ में आए कि तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे सॉल्यूशन बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं उसका। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दिया कि लेट टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा आर स्लोप्स ऑफ थ्री लाइंस, या लाइन सेगमेंट बोल दिया, थ्री लाइन सेगमेंट्स, क्या क्या लाइन सेगमेंट है, ओ ए ओ बी ओ सी रिस्पेक्टिवली, ओ हमारा ओरिजिन ही है और यहाँ पर यह भी बोल दिया कि अल्फा बीटा गामा में से कोई भी एंगल 2n-1 पाई बाय 2 ऐसा नहीं है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है, मतलब 90-270 ऐसा नहीं है बोल दिया इसने, ओके और ओ ओरिजिन है, देन इफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कोइंसाइड विद ओरिजिन, मतलब उसने बेसिकली ये बोल दिया कि जो सर्कम सेंटर होगा किसका, ट्राइंगल ए बी सी का, वो ओरिजिन ही है, एंड इट्स ऑर्थो सेंटर
लाइज ऑन वाई एक्सिस, मतलब बताया नहीं कि कितना है बट ये बोल दिया कि वाई एक्सिस के ऊपर है। तो मतलब होता है ना छोटी छोटी सारी सारी बातें को कनेक्ट करना है तब जाकर क्वेश्चन समझ में आएगा। कई बार क्या होता है ना जो क्वेश्चन मुश्किल होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता, मतलब अगर किसी बच्चे को सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पता है, किसी को भी सारी चीजें समझ में तो आई जाती हैं, फिर जब क्वेश्चन आता है तो वो हम लिंक नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या होता है, कई बार जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उन सभी बातों को कनेक्ट करना होता है। तो जो टफ क्वेश्चन होता है बस उसमें यही फर्क है कि जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे एक एक चीज को समझते जाओ और करते जाओ आंसर आ जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट हम तभी मैप कर पाएंगे जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट माइंड में होंगे कि हाँ भाई स्लोप का मतलब ये है, ऑर्थो सेंटर क्या था, सर्कम सेंटर क्या था, वाई एक्सिस पे बोल दिया तो उसका मीनिंग क्या है, सारी बातें मतलब कनेक्ट करनी है। तो ये पढ़ते जाओ एंड फिर थोड़ा सा लेट करते जाओ। क्या है फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑर्थो सेंटर बोला है वाई एक्सिस के ऊपर, बस इतना दिया हुआ है, और बोला है कि जो सर्कम सेंटर है वो ओरिजिन ही है, कोइंसाइड करना मतलब ओरिजिन ही है। देन हमें बताना है देन वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछी किसकी, कॉस थ्री अल्फा, कॉस थ्री बीटा, कॉस थ्री गामा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है क्या होगी। तो पहले जो निकालना है उसको तो एक बार देखो ही मत, कि वो तो एकदम देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ठीक है भाई, मतलब डायरेक्टली अगर मैं देखता हूँ जो मुझे फाइंड करना है, या तो मुझे समझ में आ जाए जो मुझे फाइंड करना है उसके लिए मुझे स्टार्ट कैसे करना है, तो वो तो समझ ही नहीं आ रहा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि दे क्या रखा है। तो उसने कहा है कि थ्री लाइन सेगमेंट है ओरिजिन से बना दो, और तीनों की तीनों उसने बोले थे कि कोई भी एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब 90 भी नहीं होना चाहिए, 270 ऐसे नहीं होने चाहिए। तो तीनों बना दो भाई, मतलब थोड़ा सा फिगर रफली समझने के लिए बना दिया भाई। मान लेते हैं ऐसा है, ए है, बी है, और लेट्स से सी है कहीं पे। इन तीनों के स्लोप सेम है, कितने कितने, 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 गामा, यानी कि ए जो होगा वो अल्फा एंगल बना रहा होगा, ये बीटा एंगल बना रहा होगा, और ये गामा एंगल बना रहा होगा। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, मतलब पहली बात तो ये समझ में आती है ना कि इनके स्लोप्स गिवन है, तो यानी कि हमें ये पता लग गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो ओ ए, ओ बी और ओ सी है ये क्या क्या एंगल बना रहे हैं, ये हमने लिख लिए अल्फा बीटा गामा, बस इतना बात समझ में आती है। अच्छा, ये पॉइंट दिए ही नहीं हुए, पर क्या ये मैं पॉइंट लिख सकता हूँ अपने आप? अगर मुझे ये पता लग गया कि अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल है, तो क्या ये मैं पॉइंट्स लिख सकता हूँ कि क्या होंगे? और क्या गिवन था? बस और कुछ गिवन नहीं। हाँ तो बताओ भी, क्या ये पॉइंट्स मैं लिख सकता हूँ कि कैसे कैसे होंगे, बताओ भी? हाँ, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पर चलो अभी मैं नहीं लिखता भाई, पता नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। चलो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फिर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ईबीसी कोइंसाइड विद ओरिजिन एंड इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ये कह रहा है कि सर्कम सेंटर यही है एबीसी ट्रायंगल का, ठीक है, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए सी का, बी सी का और ए बी का, वो जाकर कहाँ मिलते हैं, ओरिजिन ओ पे मिलते हैं, ठीक है, ये सर्कम सेंटर है। मैं सी लिख रहा हूँ, ओरिजिन है वैसे, मैं सी लिख रहा हूँ यहाँ पर। और उसने बोला कि जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे, उसने कहा कहीं पर वाई एक्सिस पर है, मतलब जीरो कॉमा समथिंग होगा, कुछ भी ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो, ओके। अच्छा, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हमें दिख गए, अब कुछ एक रिलेशन किसी को याद आता है, क्या कहते हैं एच सी और सेंट्रोइड में, किसी को याद आ गया? 2:1 में डिवाइड करो रेशियो, और क्या था, कोलिनियर नहीं होते थे कुछ ऐसा भी था कि कोलिनियर होंगे, कह सकते हैं? यस सर, है ना भाई। तो यानी कि अच्छा, और क्या होता था बीच में? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता था जी, है ना। तो हमें क्या पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि सेंट्रोइड जो होगा वाई एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब सेंट्रोइड में भी एक्स वाला कोऑर्डिनेट पक्का जीरो होगा, है ना, ये पता लग गया, ये क्लियर है? तो ये पता लग गया कि ऑर्थो सेंटर का भी जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, और सेंट्रोइड का भी जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो जीरो है। अब ज्यादा इजी क्या होता है, ऑर्थो सेंटर निकालना, सर्कम सेंटर निकालना, या सेंट्रोइड निकालना, क्या ज्यादा इजी है?
सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड के लिए मतलब हमें क्या पता होना चाहिए भाई, वो तीनों पॉइंट पता होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखूं? हाँ अब यानी तीनों पॉइंट हम जो स्टार्टिंग में सोच रहे थे मानना पड़ेगा, तो मानना ही पड़ेगा भाई। क्या माने इसमें बताओ, कैसे माने? ए पॉइंट को क्या मान सकता हूँ बताओ, अगर मुझे स्लोप पता है और कुछ नहीं दिया हुआ तो कैसे मान लूँ ए पॉइंट को? कावे कैसे मानेंगे बताओ? ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा। ए कॉस अल्फा ए ओरिजिन का डिस्टेंस, ठीक है, और फिर ए साइन अल्फा, राइट, ठीक है। इसी तरह से बी वाले के, बी वाले का भी मान लेंगे, ऐसे कह रहे हो ना? यस सर। और फिर सी का भी ऐसे मान लेंगे। फिर इनका सेंट्रोइड निकालो, सेंट्रोइड निकाल कर उसका एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो रखो, देखो क्या बनता है, क्या बनेगा, करो भाई। अगर हम इनका सेंट्रोइड निकालते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो दिया हुआ है, सेंट्रोइड क्योंकि बोला हुआ है जीरो है, तो क्या रिलेशन बनेगा? कुछ रिलेशन बनता है जीरो रख के बताओ, या किसी और को कुछ और समझ में आ रहा है क्या कर सकते हैं? अच्छा एक चीज और बताना, अगर स्लोप ओ ए का, ओ ए मतलब जो सेंट ओरिजिन से 10 अल्फा है ना, अच्छा किसी चीज का स्लोप कैसे लिखते हो आप बताओ? स्लोप का फॉर्मूला भी तो है और बस क्या होता है वो लगाना, उससे कुछ रिलेशन बनेगा क्या? वो रिलेशन लगाने के लिए कुछ रिलेशन बन जाएगा इससे, अगर ऐसे मानता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? बन जाएगा, बनाओ बनाओ क्या बनेगा? टेन मुझे पता है भाई, टेन तो साइन बाय कॉस होता है, और ओ ए का वैसे स्लोप निकालना क्या होगा, क्या रिलेशन आएगा? ये तो वही आ जाएगा ना, टेन अल्फा ही आ जाएगा, राइट, कुछ और नहीं आएगा। मतलब ए वन आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, कैसे वन कैसे आया बताओ, बताओ वन कैसे आया? ए टेन अल्फा, टेन अल्फा की इक्वल हो जाएगा, फिर टेन अल्फा, टेन अल्फा कैंसिल। ए टेन अल्फा कैसे आ जाएगा भाई? सॉरी सर, सॉरी नहीं आ रहा ना, तो पूछा क्या है हमारे से, पूछा है ये निकालना है रिलेशन। ये पर रिलेशन तभी निकलेगा जब हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का रिलेशन निकलेगा। हमने क्या करा इसमें, सेंट्रॉइड जो है वह पता लग गया भाई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, बट सेंट्रॉइड ले कैसे, हमें ये पता है कि भाई सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर दोनों के दोनों वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। पर ए बी सी पॉइंट कैसे माने, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है क्या भाई? इसने बोला था इफ 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा आर द स्लोप्स ऑफ द थ्री लाइन सेगमेंट्स ए ओ ए ओ बी ओ सी रिस्पेक्टिवली वेयर ओ इज द ओरिजिन एंड इफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी कोइंसाइड विद द ओरिजिन, ठीक है, एंड ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अगर हम पॉइंट लेते हैं तो हमने ले लिया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, फिर ऐसी बी का हो जाएगा सी का हो जाएगा, सेंट्रोइड निकालोगे तो आएगा ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा प्लस सी कॉस गामा इक्वल टू हो सकता है जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि मुझे पता है कि सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट भाई जीरो है, बट ए बी सी तो पता ही नहीं हमें, कुछ मिसिंग लग रहा है। आए किसी को समझ में कुछ भी, क्या करना है? कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है। तो अगर मैं सारे कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, बी मान लेता हूँ ए कॉस बीटा, सॉरी बी कॉस बीटा,
बी साइन बीटा, इसी तरह से सी मान लेते हैं सी कॉस गामा सी साइन गामा, ये तीन पॉइंट मान लेते हैं। तो फिर अगर मैं सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा प्लस सी कॉस गामा डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू होगा सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि जीरो है, पर वहाँ से ए बी सी हटेगा नहीं, लेकिन हमें जो प्रूफ जो निकालना है उसमें तो ए बी सी है ही नहीं का। सर हाँ बोलो सर, ऐसे तो फिर ए बी और सी को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि अगर सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जीरो है और क्वेश्चन में दिया कि अल्फा पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं है तो कॉस तो जीरो पर आ सकता है यार, कॉस एक पॉजिटिव का एक क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो मैंने सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिए, पर ऐसा तो ना बोला था इसने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कहीं भी हो सकते हैं, तो एक जगह से कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव 1 बाय 2 आ जाएगी और एक जगह से सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 1 बाय 2 आ जाएगी, तो हो सकता है जीरो, ऐसे तो लाइक बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है। तुम तो सोच रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब पॉसिबल नहीं होगा, ये कह रहे हो ना तुम? यस नहीं नहीं वो तो लाइक क्योंकि इसमें ये गिवन नहीं है ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा गिवन नहीं है, इसने इसने ये नहीं बोला कि अल्फा बीटा गामा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही एंगल है, इसने बस बोला कि 90 के मल्टीपल नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल, तो ठीक है मतलब इंडिविजुअली कोई जीरो नहीं है, मतलब कॉस की या साइन कॉस बीटा की या कॉस गामा की वैल्यू वो नॉन जीरो ही है, बट वो पॉजिटिव नेगेटिव होकर तो कैंसिल आउट हो सकती है ना, तो फिर सेंट्रोइड का वो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। बट हमें ए बी सी तो नहीं पता ना, वेरिएबल ये वाले मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है क्या, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, है तो सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो मैं देखता हूँ ये वाला क्वेश्चन, छोड़ दो इसे, ठीक है होल्ड पे। नेक्स्ट है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन हम मिस कर रहे हैं या मिस प्रिंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी शिफ्ट में आया हुआ था, मार्च वाली शिफ्ट में दो दो आए थे, मतलब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का। सेकंड क्वेश्चन ये था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम सो दैट एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x plus 4y is equal to 9 and y equal to mx plus 1 is also an integer is बताना कितने, ये कह रहा है कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगी m की, मतलब m की कितनी ऐसी इंटीजर वाली वैल्यूज होंगी जिनके लिए एब्सिसा जो इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका जो एब्सिसा है x यानी कि वो क्या होगा, इंटीजर ही होना चाहिए। तो ऐसी कितनी m की वैल्यूज पॉसिबल होंगी ये बताना है। ऑप्शन है एक, चलो ऑप्शन देता ही नहीं मैं इसमें, अपने बताओ पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो जल्दी से, एम की टर्म्स में आएगा क्योंकि एम पता नहीं है, तो क्या आएगा भी पॉइंट ऑफ सेक्शन बता दो दोनों का क्या आ रहा है। y की वैल्यू उठाकर यहाँ से इसमें रख दो और निकाल दो कितना होता है x, और फिर x से y पता लग जाएगा कितना है, बताना क्या आ रहा है। हमें सिर्फ एब्सिसा से मतलब है, मतलब x वाला ही निकाल दो कितना आ रहा है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस x बता दो। 4m 5 अपॉन 3 प्लस 4m 3 प्लस 4m कॉमा समथिंग आएगा, ठीक है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या होना चाहिए, आप कह रहे हो ये इंटीजर होना चाहिए, ये जो है 5 अपॉन 3 प्लस 4m इंटीजर होना चाहिए, तो m की हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं जिससे कि आंसर हमारा क्या है इंटीजर है, क्या ये पूरा का पूरा, तो जल्दी से बता दो, ये तो बहुत इजी है। अगर 5 अपॉन 3 प्लस 4m को इंटीजर ही लाना है हमें, तो इंटीजर तुम्हें पता है 0 1 माइनस 1 ऐसे 2 माइनस 2 3 माइनस 3 ये होता है इंटीजर, तो m की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं, और m की वैल्यू भी कौन सी लेनी है, m की वैल्यू भी भाई इंटीजर ही लेनी है, मतलब ऐसा नहीं कि m की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ले ली, ऐसे नहीं है, m की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए और ये पूरा आंसर भी इंटीजर आना चाहिए, तो m की पता नहीं ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी जिनसे कि ये पूरा आंसर इंटीजर आ जाए। अब ध्यान से सुन रहे हो समझ रहे हो तो लाइक कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज ही हो जाओगे क्या बोल रहा है इंटीजर इंटीजर ये बार बार आए, किसी का थोड़ा सा हो सकता है सॉल्व करना पड़े एकदम मेंटली नहीं पता लगे। बताओ भैया आया किसी का,
यार इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब सर टू वैल्यूज, टू वैल्यूज चेक कर लेते हैं शायद से आ गई है। 3 प्लस 4m ये लिखा था, 5 अपॉन 3 प्लस 4m ये इंटीजर होना चाहिए। तो मुझे एक बात समझ में आती है यार, 5 प्राइम नंबर है, ये इंटीजर तभी आएगा जब ये नीचे वाली जो चीज लिखी हुई है क्या हो सकती है, या तो 5 होगी क्योंकि 5 बाई 5 करके इंटीजर बना जाएगा, या फिर माइनस 5 होगी तब भी ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर से 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और माइनस 1 से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 3m प्लस 4 को, 4m को एक बार 1 रख दो, एक बार 5 रख दो, एक बार माइनस 5 रख दो, एक बार माइनस 1, चार वैल्यूज आएंगी। और चार वैल्यूज में से मेरे ख्याल से m की वैल्यूज देख लो कितने इंटीजर आ रहे हैं। तो पहली वाली वैल्यू से अगर करते हैं तो आएगा 4m इक्वल टू माइनस 2, इंटीजर नहीं आएगा इससे। तो भी 5 से क्या आएगा, 2 आएगा, इससे भी नहीं आएगा। माइनस 5 से क्या होगा, माइनस 8, माइनस 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 से 3 उधर जाएगा तो माइनस 4, माइनस 4 डिवाइड बाई 4 ये भी आ जाएगा। दो ही वैल्यूज। क्लियर है सभी को? पूरे भी आए सभी को? अच्छा, यही मैंने सिर्फ यही वाली चार वैल्यूज क्यों ली है, क्योंकि भाई 5 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 3 प्लस 4m से और आप कह रहे हो इंटीजर आंसर आना चाहिए, तो इंटीजर तभी आएगा जब 5 के फैक्टर ही लोगे आप। क्योंकि अगर 5 के फैक्टर नहीं लिए, क्योंकि 5 प्राइम है, 5 और तो किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा, अपने आप से डिवाइड होगा या सिर्फ 1 से होगा। अब तुम 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 7 लोगे, तो इंटीजर आ ही नहीं सकता, गारंटेड है। मतलब नीचे वाली वैल्यू जो लिखी है 3 प्लस 4m, उसको इंटीजर क्या लेना पड़ेगा, मैं सिर्फ 1 माइनस 1, 5 माइनस 5। क्लियर हो गया? यस सर। अब इस क्वेश्चन में मान लो ये तो ईजी था, मान लो अगर ऐसा होता ऊपर लिखा होता 12 और 12 के नीचे यही लिखा होता 3 प्लस 4m, तो बताओ क्या क्या लेते वैल्यूज, समझाए? अगर ऐसे लिखा होता और कहता फिर वो इंटीजर ही आना चाहिए, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 6 माइनस 6, 12 माइनस 1, है ना भाई? या और कोई फैक्टर छोड़ दिया मैंने, यही होंगे ना, ठीक है? क्लियर? बोलो भाई सभी को क्लियर है? कुछ बच्चे हिडन ट्रायल से करने लगते हैं कि वैल्यूज ले लेकर देख लेते हैं, टाइम वेस्ट होगा और उसमें तुम श्योर भी नहीं हो पाओगे कि कुछ रह तो नहीं गया, मतलब बार बार ऐसा लगेगा शायद कुछ रहना गया हो ऐसी वैल्यू जिससे कि इंटीजर ही आता हो, तो रैंडमली करोगे तो फिर उसमें तुक्का मारने वाली बात हो जाएगी। तो कि तुमने ले लिया दो वैल्यूज देखिए तुम्हें, ठीक है, और दो लिखने के बाद भी तुम डाउटफुल रहोगे और ऑप्शन ऐसे दे रखें 0 1 2 3 या 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, तो दो ही निकलेंगे। अब तीन ऐसा लगेगा शायद 3 ना हो, ऐसा लगेगा शायद 4 ना हो, तो फिर सोचते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, ठीक है भाई? ये लॉजिक सभी को समझ में आ गया बेटा? मैंने नीचे सिर्फ फैक्टर ही क्यों लिए प्लस माइनस वाले, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब होता है ना प्रैक्टिस जब करते हैं तो कुछ कुछ बातें कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि पेपर में किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अगर मैं रैंडमली वैल्यूज ले लेकर एम की वैल्यूज देखूंगा कि इंटीजर कब आता है, तो एक तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि शायद और वैल्यूज ऐसी ना हो, तो ये लॉजिकली इस तरह से अप्रोच लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बताई उसी शिफ्ट में, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द, मतलब सारे ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के सारे ही क्वेश्चन टफ आएंगे, कुछ लाइक एक दो हो सकता है टफ आ जाए, बाकी नॉर्मल अगर तुमने कर रखा है तो मैं करा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर देते हैं फिर उसके बाद आगे वाले टॉपिक करेंगे एंड अपना साइड बाय साइड पीछे वाले चैप्टर्स भी रिवाइज करते रहो, ठीक है, जो आपको लगता है वीक है। द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन्स, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द one of the straight line, two leaf, one of the straight line, die, one of the straight line, which, क्या बोला, which passes through, point दे रखा है 1, 3 and makes angle 10 inverse root 2 with other line, दूसरी लाइन के साथ बना रही है ट्रायंगल, कितना लाइन उसकी क्वेश्चन है, y plus 1 equals to root 3 root 2x, इस बताना है क्या होगी। द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 1, 3 से लाइन पास हो रही है ये पता है, और इस लाइन के साथ एंगल बना रही है कितना, 10 इनवर्स रूट 2। लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मुला नहीं बताया था कि दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, याद है सभी को? एंगल बिटवीन टू लाइन्स होता था tan theta इक्वल टू m2 माइनस m1
अपॉन में 1 प्लस एम वन एम टू। अच्छा ऊपर मैंने एम टू माइनस एम वन लिख दिया लेकिन फर्क नहीं पड़ता, तो उल्टा भी लिख दो एम वन माइनस एम टू लिख दो और ये मॉड में रख देते हैं। मॉड में रखने का मतलब है हम जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं दो लाइनों के बीच में वो एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हैं। ये एक्यूट है थीटा, तो ये 180 माइनस भी एक एंगल है, 180 माइनस थीटा भी एक एंगल है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है तो 180 माइनस थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूस आएगा। तो हम जब एंगल के बारे में बात करते हैं कि दो लाइनों के बीच में एंगल दे रखा है, अगर वो स्पेसिफाई नहीं करा है तो एक्यूट ही ले लेते हैं जनरली। तो यहाँ पर देखकर पता भी लग रहा है टेन इनवर्स रूट टू जो है, टेन इनवर्स का रेंज होता था माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से जीरो में सारे नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी, जीरो से लेकर पाई बाई टू में सारे पॉजिटिव आएंगे। तो ये जो रूट टू लिखा हुआ है पॉजिटिव है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्यूट एंगल है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना और जल्दी से बता दो क्या आएगा। अब किसी की इक्वेशन निकालनी है, अगर इक्वेशन निकालनी है लाइन की तो उसका स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पॉइंट तो दिया हुआ है पहले भी, पी पॉइंट तो दिया हुआ है, तो तुम्हें स्लोप निकालना है। और स्लोप कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, निकाल दो जल्दी से क्या है। क्या लिखते हैं टेन थीटा की जगह डायरेक्टली क्या लिख दूं बताओ, रूट टू लिख दूं, टेन थीटा की जगह रूट टू लिखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि थीटा अगर आपका टेन इनवर्स रूट टू है तो टेन लोगे अगर टेन इनवर्स का रूट टू का तो रूट टू आएगा, ये क्लियर है। एम टू, एम टू मान लेते हैं हमारे वाला स्लोप हमें नहीं पता, जो रिक्वायर्ड लाइन का उसको एम मान लेते हैं। एम वन इस लाइन का बताओ जल्दी से स्लोप कितना है, थ्री रूट टू है अभी है ना, डिवाइड बाय वन प्लस थ्री रूट टू एम, किस में रखना है मॉड में रखना है और इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो मॉड हटाते हैं तो एक बार पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करेंगे और एक बार नेगेटिव वाला, ठीक है भाई हो जाएगा भाई सॉल्व, एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा उसने जो इक्वेशन दी होगी, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द मतलब एक्चुअली दो आएंगी क्योंकि एम की वैल्यूज दो पॉसिबल होंगी, और दो पॉसिबल होंगी तो उस पॉइंट से फिर दो लाइनें पास हो रही होंगी जो कि इस लाइन के साथ एंगल क्या बनाएंगी, टेन इनवर्स रूट टू बनाएंगी। पर जो ऑप्शन गिवन होंगे उसमें उन दोनों में से कोई एक लाइन आ रही होगी तुम्हारी, ऑप्शन जब चेक करोगे, ठीक है भाई क्लियर है, आया भी सभी को समझ में। बोलो भी सभी को क्लियर बेटा क्या करा, ठीक है। तो जो ऑप्शन गिवन होंगे एक्चुअली दो लाइन आएंगी, पर उन दोनों लाइनों में से कोई एक लाइन जो होगी वो दे देगा, ठीक है। तो हमें ऑप्शन देखकर जज करना है। तो ये भी बहुत सिंपल था, मतलब कैलकुलेशन वैसे इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेट से पूछा अभी शायद किसी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था क्या भाई, क्वेश्चन था अच्छा किसी के क्वेश्चन में मतलब पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आया था क्या भाई, किसी के पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नो नहीं आया किसी के पेपर में, नहीं आया भाई, हाँ बता तो रहा था एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आया था। अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छी तरह से कर लेना, छोटा टॉपिक है, मतलब तुमने टेंथ में अगर ढंग से पढ़ा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री उतना ही याद रखना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का एक था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैंने नहीं कराया ज्यादा डिटेल में, तो एक बार वो भी कवर कर लूंगा बेटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का तो हाँ एक क्वेश्चन था बताने वाला, ये किसी का आया था क्या पेपर में, क्वेश्चन था कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट दिए हुए, किस किस पॉइंट पे, एक तो ओरिजिन पे जीरो जीरो पे एंड एक पी पॉइंट है क्या, वन प्लस रूट फाइव कॉमा टू टू द सर्कल, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का फोर वाई इक्वल टू जीरो। इसका जल्दी से सेंटर बता दो, रेडियस बता दो पहले, एंड फिर बोला इफ दीज टेंजेंट्स मीट एट पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करते हैं क्यू पर, देन
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू बताना है क्या होगा. टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट एट ओरिजिन 0 0 एंड पॉइंट पी 1 + √5, 2 टू द सर्कल. ये सर्कल दिया हुआ है एंड इफ दीज टेंजेंट्स मीट एट पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू पे मीट करती है तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ओ पी क्यू, उसका एरिया निकालना है. तो अगर ओ पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है और क्यू पॉइंट आ जाए तो मतलब सिंपल है, मतलब हमारा टारगेट क्या है. क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया कि हमें क्यू पॉइंट निकालना है. तो पर क्यू पॉइंट निकालने से पहले टेंजेंट्स पहले एक सर्कल जल्दी से रेडियस बताओ और उसका सेंटर बताओ क्या है सर्कल का. 1 और 2 सर्कल का सेंटर है 1, 2 बिल्कुल ठीक है. और रेडियस कितना बेटा, रेडियस क्या आएगा, -1 और कितना आ रहा है भाई, √5 ही आ रहा है क्या रेडियस. माइनस का 1 करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 ऑफ 1 5 उधर चला जाएगा तो 5 आपका आर स्क्वायर है, √5 ही आ रहा है भाई रेडियस ही आएगा ना भाई. x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1, y माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी कि 4. x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5. 5 को यानी कि √5 का स्क्वायर लिखेंगे तो r भाई √5 है. क्लियर है सभी को, ठीक है भाई. यस सर, यहां तक क्लियर हो, थोड़ा सा फिगर बना ले इसको. अच्छा जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा अगर तुम्हें लगता है रफ में यार फिगर बना ले करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था ना कि अगर x वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा दो पॉइंटों में, p पॉइंट में और q पॉइंट में x वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा तो समझ में आ जाता है कि वो वर्टिकल लाइन होगी. ये बात समझ में आ जाती है तो वर्टिकल लाइन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भाई स्लोप इन्फिनिटी होगा, एंगल 90 डिग्री बन रहा है x एक्सिस के साथ, और भी चीजें मतलब रिलेट कर पाते हैं फिर. ठीक है तो यहाँ पर एक बना लेते हैं क्वेश्चन. क्या था सर्कल का सेंटर कितना था भाई, सर्कल का सेंटर था 1 2, तो 1 2 रफली 1 मतलब फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल बट थोड़ा फिर भी ठीक सा बनाओ. 1, 2 पे एक सर्कल बनाना. रेडियस कितना भी इसका, रेडियस है √5, √5 वाला रेडियस लेना है. तो ये कितना होगा भी कोई बताएगा, ये तो √5 ही नहीं होगा. देखो भाई ये तुम्हारा है 1, ये है तुम्हारा 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 + 1, 5 तो ये √5 ही तो आ गया. तो यानी कि जो रेडियस है अगर √5 है तो ये बात क्लियर होगी ना, एक जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, ये बात समझ में आ गई. यस इसको देखकर सर्कल तो समझ ही आ गया कैसा बनेगा, कुछ ऐसा होगा राइट. ठीक है मतलब सेंटर से और सेंटर कह रहा हूँ जो उसका सेंटर है वो 1 2 है लेकिन जो रेडियस है वो अगर √5 है तो ये समझ में आ गया कि जो ओरिजिन है 0 0 वहीं से पास होगा. ये बात समझ में आ गई. और एक टेंजेंट आप ऐसे कह रहे हो, कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है जहाँ ओरिजिन है और दूसरी कहाँ बनानी है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है जो अजीब सा पॉइंट है वो है 1 + √5, 2 1 + √5, 2 ये भी तो सर्कल के ऊपर नहीं है. हाँ सर्कल पे तो होगा ही पक्का पर कहाँ होगा ये 1 + √5, 2 किसी को समझ में आ गया 1 + √5, 2 कहाँ होगा पॉइंट, बात समझ में. यस भाई ये वाला देखो, ये वाला ये पहले से ही 1 था. देखो ये वाला डिस्टेंस पहले से ही 1 था, जो ये मैंने डायमीटर बनाया इसमें ये 1 है जो मैंने पहले वाला ग्रीन वाला पोर्शन बनाया और ये आपका रेडियस √5 है तो ये वाला पॉइंट होगा ना एग्जैक्टली. आया बात समझ में, ठीक है भाई क्लियर है. यस सर. और ये 2 ये वाला 2 पॉइंट कंफर्म भी कर देता है ये वाली बात. क्यों, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा जो सेंटर था वो 1, 2 था तो बिल्कुल मतलब अगर देखो जो वाली अभी बात यही तो बोल रहा था मैं क्या कि फिगर बनाने से ये बात क्लियर हो जाती है. देखो ये दोनों 2, 2 है. अगर y वाला पॉइंट चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि ये जो मैंने बनाई है लाइन ये हॉरिजॉन्टल होगी. ये बात क्लियर होगी. यस. और अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप सोचो टेंजेंट बनाओगे तो बात समझ में आई, वो टेंजेंट कैसी बनेगी, अब वर्टिकल बनेगी. बात क्लियर होगी, बोलो भाई क्लियर है सभी को. तो हमने ऊपर और P पॉइंट पे टेंजेंट बना दी दोनों और वो टेंजेंट में हमें एक आइडिया लग गया कि जो P पॉइंट पे टेंजेंट बनाई है वो वर्टिकल बनेगी कंफर्म है और O से मैंने टेढ़ी ऐसी बना दी. अब वो पॉइंट Q पर मीट कर रही है. अब Q पॉइंट निकालने के लिए मतलब या तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो
एक तो तरीका ये है, और कोई तरीका? अब हमें क्या पता लग गया, देखो एक तो देखो लेंथी अप्रोच क्या होगा, मैंने बताया था ना कर तो बहुत तरह से सकते हो। एक तो लेंथी अप्रोच तो ये है कि भाई सर्कल को लेकर डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट करके वाई डैश निकाल दो, निकल गया वाई डैश, ऊपर भी निकाल दो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, पी पॉइंट पे भी निकाल दो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, और दोनों पॉइंटों पे इक्वेशन भी निकाल दो टेंजेंट की, निकल जाएगी। और दोनों जब टेंजेंट की इक्वेशन आएगी उन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा उनका, इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो इस तरह से क्यू पॉइंट निकल जाएगा, फिर एरिया मैं निकाल ही लूंगा। एक तो ये तरीका हुआ। लेकिन अब अगर थोड़ा सा एनालाइज करा और ऐसे बन रहा है फिगर, तो आपको ये बात समझ में आती है कि क्यू पॉइंट का क्या चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा या वाई चेंज नहीं होगा, पी पॉइंट को देख कर बताओ। एक्स चेंज नहीं होगा, एक्स तो पक्का ये वन प्लस रूट फाइव होगा, ये कन्फर्म है, और ये नहीं पता हमें कितना होगा, ये मान लेते हैं बी मान लेते हैं, क्योंकि वाई चेंज हो जाएगा पक्का, और ये बी बता भी नहीं सकते इसको देखकर कि कितना होगा। अब इसके बाद क्या करूं मैं, इसके बाद क्या करें, बी पॉइंट को निकालने के लिए क्या करें, जो बी वाला रह गया है ऑर्डिनेट उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बी पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, क्या लॉजिक लगाएं बी बी निकालने के लिए, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगा दें भाई, ओरिजिन वाली टेंजेंट मैक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, ओरिजिन वाले में क्या करें x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, इक्वेशन में कह रहे हो ओरिजिन वाली जो टेंजेंट इक्वेशन आई है उसमें x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 रख दो क्या, ठीक है ठीक है, पर इतना कुछ करने का फायदा नहीं हुआ ना, मतलब हम अलग सेपरेटली अगर डेरिवेटिव करके भी दोनों पॉइंटों पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देते और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते तब भी सॉल्व तो ही जाता ना, या नहीं होता, तब भी हो जाता है ना। और क्या कर सकते हैं स्लोप्स के बारे में, अगर मैं पी क्यू का स्लोप निकालता हूँ तो पी क्यू का स्लोप आएगा नॉट डिफाइंड टू माइनस समथिंग, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो होता है, बट उससे तो कुछ पी पॉइंट नहीं निकलेगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हो भाई, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए, कितना होगा ये पॉइंट, 0.2 होगा, तो ये जो ए पी वाली लाइन है और ये जो पी क्यू वाली लाइन है इन दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट क्या होंगे, माइनस माइनस वन होगा, राइट है ना, परपेंडिकुलर होगा ना भाई, क्लियर है। भाई एपी का स्लोप और पी क्यू का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, ये क्लियर है सभी को, बोलो भाई हो जाएगा सॉल्व। या अगर ऐसे बी नहीं निकलता छोड़ दो कोई बात नहीं, वैसे ही निकाल लेना दोनों टेंजेंट की इक्वेशन अलग अलग निकाल लेना अलग अलग पॉइंटों पे, और फिर क्या करना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के बी पॉइंट आ जाएगा, मतलब एक्स भी आ जाएगा, एक्स के लिए 1 प्लस रूट 5 आएगी कन्फर्म, और पी जो है यानी जो मैंने वाई वाला पॉइंट नहीं लिखा वो निकल जाएगा। तो अगर तीनों पॉइंट निकल के उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल लोगे भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब मुश्किल नहीं था थोड़ा सा, मतलब अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम देख रहे हो थोड़ा सा अप्रोच या जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा है, किसी क्वेश्चन में बहुत कम होता है ना, तो वो लाइक क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एडवांस ऐसे लेवल के होते हैं, मतलब टफ होते हैं थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा कॉन्सेप्ट भी ज्यादा चलेंगे उसमें, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लाइक ईजी और मतलब वही जो मैंने मार्किंग स्कीम बताई थी थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कि भाई 15-20% ईजी लगा लो, मैक्सिमम 20-25% टफ लगा लो, 30% मैक्सिमम और बाकी सारा एवरेज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पहले ही देख कर ही समझ में आ रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट करा करो, टाइम वेस्ट करें बिना, ठीक है ना, मतलब जो देख कर ही क्लिक कर जाता है ना कि हाँ भाई अब इसमें ये करना है इसके बाद ये करना है सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा, कैलकुलेशन लंबी है लेकिन समझ में आ गया था स्टार्टिंग में कि टेंजेंट का मैं स्लोप दोनों निकाल लूंगा डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव करके, दोनों पॉइंटों पे टेंजेंट का स्लोप भी आ जाएगा, जब पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगी, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू भी आ जाएगा। तो जब तीनों पॉइंट पता लग गए, ओ पता है, पी पता है, क्यू पता है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है 0 0 उसमें दोनों पॉइंट 0 0 होंगे एक्स वन और वाई वन, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और सर्कल्स, तो सर्कल थोड़ा सा एक बार देख के आना, रिवाइज करके आना बेटा, ठीक है, ओके, यस सर, चलो थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू सर।
थैंक यू।